अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरे किचन में ज़बरदस्त सी स्पेशल सी दाल मूंगी बन रही है, तो मैंने सोचा मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती चलूँ। दाल मैंने जो है वो ले ली है तकरीबन 1 कप, इसको मैंने अच्छे से भिगो लिया था 1 घंटे के लिए, और अब मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट, 1/4 कप ऑयल मैंने यूज़ कर लिया इसमें, लहसुन को हम सोते कर रहे हैं, ग्रीन चिलीज मैंने ले ली हैं, इससे कट कर ली हैं छोटी छोटी और ये लंबाई में मैंने काट ली हैं। स्पाइसेस में मेरे पास जा रहा है, मैंने अपनी दाल के हिसाब से 1 कप दाल ले रही हूँ, तो मैं 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली ले ली है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ले ली है, 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर ले लिया, उसके साथ सॉल्ट जा रहा है। ज़ीरा मैं लहसुन को सौते करते हुए साथ ही ऐड कर दूंगी। धनिया हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे और टमाटर की पेस्ट जाएगी। लहसुन हमारा हो रहा है सोते, ये जी लहसुन मेरा सोते हो रहा है, कलर चेंज कर रहा है। लहसुन का कलर चेंज होते ही मैंने इसमें ये जनाब थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, और इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस चले गए, बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस हैं, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर की पेस्ट। टमाटर की पेस्ट चली गई है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दी है, और साथ साथ देखें टमाटर की पेस्ट डालने के बाद अच्छे से भुनाई इसकी हो चुकी है। दाल ऐड कर रही हूँ मैं, इसमें जा रही है दाल। अच्छा, मेरे इसे आपने मेथड से ये दाल बनानी है, तो आपको बिल्कुल जैसे आपको रेस्टोरेंट से होटल से जो आपको दाल मिलती है सेम इसका टेस्ट वैसे ही आपको मिलेगा। 5 मिनट तक करेंगे हम इसकी भुनाई, और उसके बाद हमें इसको गलाने के लिए तकरीबन 2 कप पानी रिक्वायर्ड है, तो 2 कप पानी भी मैंने लगा देना और मीडियम आंच पर उसको मैंने गलने के लिए छोड़ देना है। ये भुनाई करते ही हमने थोड़ी सी मज़ीद ग्रीन चिली इसमें ऐड की है, उसको मैं गलाने के लिए 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, और ये बात हमने ख्याल रखना है कि आंच जो हमारी है वो मीडियम होनी चाहिए। पानी हमने ऐड कर दिया है, लिड से मैं इसको कर दूंगी कवर। ये जनाब 15 मिनट तक मीडियम आंच में मैंने इस पर कुक करना है, और दाल हमारी गल जाएगी। दाल रेडी है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज और सब्ज धनिया, ये चला गया, और ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक है।